32 साल बाद पुरुषों के बैडमिंटन सिंगल के भारत को गोल्ड की उम्मीद। फाइनल में पहुंचे पारुपल्ली कश्यप। पुरुष हॉकी के फाइनल में भी पहुंचा भारत, न्यूजीलैंड को दी 3-2 से मात। आतंकी सुन ले ये गर्जना, मनचले भी हो जाएं खबरदार। एक हेयरपिन से हो जाएंगे आतंकी ढेर। एक चाबी से गुंडे हो जाएंगे धराशायी। महिलाएं बेखौफ होकर करें मेट्रो में सफर। मेट्रो का हर यात्री दिल से डर को निकाल दे। मेट्रो का सुरक्षा कवच और हुआ मजबूत। आ गई हैं स्पेशल 25। मेट्रो में झांसी की रानी। मेट्रो आज दिल्ली एनसीआर की लाइफलाइन बन चुकी है। हर रोज लाखों यात्री मेट्रो के जरिए दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में यात्रा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे यात्रियों की तादाद और मेट्रो का दायरा बढ़ता जा रहा है, नई नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। इन चुनौतियों में महिलाओं से छेड़छाड़ से लेकर आतंकी खतरा तक सब शामिल है। इनसे निपटने के लिए मेट्रो और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर लगातार काम कर रही है। इन्हीं प्रयासों के तहत तैयार किया गया है महिला कमांडो का एक खास दस्ता, जो गुंडे मवालियों से लेकर आतंकियों तक से खतरे से निपटने में सक्षम है। इसी पर है हमारी यह खास पेशकश स्पेशल 25, मेट्रो में झांसी की रानी। मेट्रो आज दिल्ली एनसीआर में लाखों की जिंदगी का टूट हिस्सा बन चुकी है। इसी को देखते हुए मेट्रो का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो में महिलाओं के लिए अलग एक कोच की व्यवस्था की गई, लेकिन सुरक्षा कवच का और मजबूत दायरा बढ़ाते हुए महिला कमांडो का एक खास दस्ता तैयार किया गया है, जो न केवल मंचलों पर नजर रखेगा बल्कि सुरक्षा से जुड़ी किसी भी चुनौती को मजबूती से सामना कर पाएगा। ये ट्रेनिंग और ये जयघोष बताने के लिए काफी है कि हौसले कितने बुलंद हैं। ये नजारा है शास्त्री पार्क स्थित सीआईएसएफ की मेट्रो विंग मुख्यालय का। जिन महिला सुरक्षा कर्मियों को आप जांबाजी के कर्तव्य करते हुए देख रहे हैं, ये कोई आम महिला सुरक्षा कर्मी नहीं है। इन्हें खास कमांडो ट्रेनिंग दी गई है। 25 महिला कमांडो का ये दस्ता मेट्रो की सुरक्षा में तैनात होने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। जिन महिला कमांडो को आप देख रहे हैं, वो सभी सीआईएसएफ की कांस्टेबल हैं। दरअसल मेट्रो की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ का है। मेट्रो स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर मंचलों पर नजर रखने के लिए सीआईएसएफ ने महिला सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर रखा है। महिला कमांडो के स्पेशल टुकड़ियां बनाई गई हैं, जो अल्फा ग्रुप के नाम से जानी जाती हैं।
लेकिन मेट्रो के दायरे के साथ सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है, लिहाजा सीआईएसएफ महिला सुरक्षा कर्मियों को उसके हिसाब से तैयार कर रही है। मेट्रो की सुरक्षा में फिलहाल सीआईएसएफ की 800 महिला कांस्टेबल तैनात हैं। पहले 200 महिला कांस्टेबल्स तैनात थीं। सभी को स्पेशल कॉम्बैट ट्रेनिंग दिलवाने की योजना है। 25 कमांडो का पहला दस्ता हुआ तैयार। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन महिला सुरक्षा कर्मियों को कितनी कड़ी ट्रेनिंग से गुजारा गया है। इस ट्रेनिंग की खासियत ये है कि एक हेयर पिन और चाबी को ये कमांडो हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर ढेर कर सकती हैं। ट्रेनिंग की खासियत ही ये है कि इसका फोकस इस बात पर रहता है कि बिना हथियार के एक से ज्यादा विरोधियों पर कैसे काबू पाया जाए। महिला कांस्टेबल्स की संख्या बहुत बढ़ाई गई है पिछले कुछ दिनों में, और जहां तक मुझे ध्यान है 800 से ज़्यादा अभी हैं, और कुछ दिन पहले तक ये संख्या 200 या 250 हुआ करती थी। तो ये एक निरंतर प्रयास है, ये चलता रहेगा। महिला सुरक्षा कर्मियों की ट्रेनिंग से सीआईएसएफ भी खासी उत्साहित है। सीआईएसएफ का कहना है कि इस ट्रेनिंग के बाद मेट्रो स्टेशनों कोच के अंदर सुरक्षा घेरा और मजबूत होगा और इससे महिलाओं का मनोबल भी बढ़ेगा। ये जो प्रोग्राम जो आज आपने देखा है, अब 25 जने एक साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, ज़्यादा लोग नहीं कर सकते हैं, तो ये नेक्स्ट भी बैच चलेगा इसके बाद में, जिससे कि हम सारी की सारी महिलाएं जो कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, उन सबको सक्षम बनाना चाहेंगे कि वो किसी भी विपरीत स्थिति का सामना कर सके। महिला सुरक्षा को लेकर भले ही देश भर में बहस का मुद्दा छिड़ गया हो, लेकिन सीआईएसएफ के ये महिला ट्रेंड जवान डीएमआरसी यानी कि मेट्रो में सफर करने वाले महिलाओं के लिए तैनात है और बदमाशों और मनचलों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ अशोक राज, लाइव इंडिया, दिल्ली। बीते एक दशक में मेट्रो साफ, सुरक्षित और सुविधाजनक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में लोगों के दिलों पर राज कर रही है। मेट्रो में हर तबके के लोग सफर करते हैं। महिलाओं की यात्रियों की जो तादाद है उसमें भी खासा इजाफा होता रहा है, लेकिन इसके साथ ही चिंताजनक पहलू ये भी सामने आया है कि मेट्रो ट्रेन के अंदर और स्टेशन पर छेड़छाड़ की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। लिहाजा मेट्रो प्रशासन और सीआईएसएफ ने इससे निजात पाने के लिए खास प्लान तैयार किया है। इसी के तहत बनाया गया है स्पेशल 25 महिला कमांडो का दस्ता। सीआईएसएफ महिला कमांडो का ये दस्ता खास तौर से महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है। महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए डीएमआरसी काफी संवेदनशील रही है, लिहाजा मेट्रो की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सीआईएसएफ भी महिला सुरक्षा को लेकर मुस्तैद रही है। मेट्रो स्टेशनों और ट्रेन के अंदर यूं तो पहले से ही सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल तैनात रहती हैं, जो स्टेशनों और ट्रेन के अंदर मनचलों और गुंडे मवालियों पर नजर रखती हैं। लेकिन इतने इंतजाम के बावजूद महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी का सिलसिला नहीं थमा है। मेट्रो के कुछ रूट पर तो वारदातों में इजाफा भी हुआ है। इसी को देखते हुए मेट्रो स्टेशन पर पुलिस स्टेशन की संख्या बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है। डीएमआरसी और दिल्ली पुलिस इस योजना पर मंथन कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीआईएसएफ ने अपनी तैयारियों को और धार देते हुए स्पेशल महिला कमांडो दस्ता बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। जो स्पेशल कॉम्बैट ट्रेनिंग इन महिला कांस्टेबल्स को दी गई है वो इन्हें इतनी मुस्तैद बना देती है कि विपरीत हालात में पलक झपकते ही ये विरोधी पर बिजली की तरह हमला करती हैं और उस पर काबू पा सकती हैं। इस ट्रेनिंग की खासियत ये है कि इसमें बिना हथियार के एक से ज्यादा लोगों पर काबू पाने का हुनर सिखाया जाता है। ये देखिए, इसे पलक झपकते ही ये महिला कमांडो हथियार से लैस विरोधी पर झपटती हैं। और उन्हें धूल चटा देती हैं।
चाहे उसके हाथ में चाकू हो, लाठी हो या फिर पिस्तौल, सबका जवाब है इन महिला कमांडो के पास। अशोक राज, लाइव इंडिया, दिल्ली। सीआईएसएफ स्पेशल 25 महिला कमांडो का ये जो दस्ता है मेट्रो की सुरक्षा संभालने के लिए कमर कस चुका है। लेकिन मसला केवल महिला सुरक्षा का नहीं है, ना ही चुनौती मंचलों तक सीमित है। सुरक्षा का सवाल इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। चुनौती आतंकवाद की भी है, लिहाजा दहशतगर्दों के इरादों पर पानी फेरने के लिए ये महिला कमांडो पूरी तरह सक्षम है। दो तस्वीरें, एक तरफ दिल्ली मेट्रो जो सुविधाजनक सफर का एहसास कराती है और दिल्ली की पहचान बन चुकी है, दूसरी तरफ सीआईएसएफ की स्पेशल 25 महिला कमांडो का दस्ता जिसके कंधे पर वर्ल्ड क्लास मेट्रो की सुरक्षा है। एक दशक पहले रिठाला और शाहदरा लाइन से शुरू हुआ दिल्ली मेट्रो का सफर आज दिल्ली की सीमाओं को पार कर चुका है। आज मेट्रो दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी पहुंच चुकी है। पहले फेज में मेट्रो का दायरा 65 किलोमीटर था। पहले फेज में स्टेशनों की संख्या 58 थी। दूसरे फेज में 24 किलोमीटर हुआ मेट्रो का दायरा। दूसरे फेज में स्टेशनों की संख्या 85 हुई और तीसरे फेज का काम जारी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेट्रो का यह प्रोजेक्ट कितना अहम है। ये बात भी किसी से नहीं छुपी है कि आतंकियों की हिटलिस्ट में मेट्रो भी शामिल है। भारत कई सालों से आतंक का दंश झेल रहा है। दिल्ली मुंबई में आतंकी हमले या फिर IC-814 की हाईजैकिंग, दहशतगर्दों ने कई जख्म भारत को दिए हैं। लिहाजा मेट्रो को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। सुरक्षा की नई और व्यापक चुनौतियों को देखते हुए सीआईएसएफ की महिला कमांडो को हर किस्म की ट्रेनिंग दी गई है। खाली हाथों से लड़ने के अलावा ये महिला कमांडो हर किस्म के हथियार चलाने में भी सक्षम है, चाहे वो पिस्टल हो, AK-47 या फिर मशीन गन। इनकी ट्रेनिंग में हर किस्म के हथियार को शामिल किया गया है। अगर कभी हथियारों से लैस आतंकियों से सामना हो तो निहत्ते भी उस पर काबू कैसे पाया जाए ये भी इन्हें बखूबी आता है। यूं तो गहन सुरक्षा जांच और स्कैनर से गुजरकर ही हर यात्री मेट्रो स्टेशन और ट्रेन में दाखिल होता है, लेकिन अगर कोई सुरक्षा चक्र को भेद कर हथियारों के साथ स्टेशन में दाखिल हो भी जाए तो भी उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सीआईएसएफ की महिला कमांडो पूरी तरह तैयार है। सीआईएसएफ का कहना है कि इन्हें ट्रेन के अंदर और स्टेशनों पर दोनों जगह तैनात किया जाएगा। अशोक राज, लाइव इंडिया, दिल्ली। स्पेशल 25 सीआईएसएफ की महिला कमांडोज की जो हम बात कर रहे हैं, जिसे खास तरीके से ट्रेनिंग दी गई है, क्या कुछ इस ट्रेनिंग में और किस तरीके से हर मोर्चे को ये संभाल सकती हैं, ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मरद से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मरद ने सुना। शुरू कर निर्मल भारत अभियान। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहां सोच वहां शौचालय। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवान हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ख्याल तो रखना पड़ता है, सिर्फ चाहने से क्या। चाहता तो हर कोई ये भी है कि उसके बाल हो लंबे, काले और घने, तो फिर साधारण तेल क्यों? अरे भाई,
तेल में औषधीय गुण होंगे तभी तो बाल मजबूत बनेंगे। इसलिए तो मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। सुरक्षा की व्यापक चुनौतियों को देखते हुए सीआईएसएफ ने महिला कमांडोज की ट्रेनिंग के प्रोग्राम को इस तरीके से तैयार किया है कि ये हर स्थिति का सामना कर सके। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे मेट्रो की ये झांसी की रानी पलक झपकते ही किसी भी हथियार को पुर्जा पुर्जा अलग कर सकती है और चंद सेकंड में बिखरे हुए पुर्जों को हथियार की शक्ल दे सकती है। सीआईएसएफ की स्पेशल 25 महिला कमांडो दस्ते को दी गई है खास ट्रेनिंग। पलक झपकते ही हथियार पुर्जा पुर्जा। चंद सेकंड में पुर्जे हथियारों में तब्दील। इन महिला कमांडो के हाथों में ये हथियार देख रहे हैं आप। जिन हथियारों के साथ ये मेट्रो की सुरक्षा में चौकस रहती हैं, उन हथियारों के हर पुर्जे की बारीक जानकारी है इनके पास। इतनी बारीक जानकारी कि चंद लम्हों में ही स्पेशल 25 का ये दस्ता हथियारों का एक एक पुर्जा अलग कर देता है और देखते ही देखते उन पुर्जों को मुकम्मल हथियार की शक्ल भी दे देता है। यकीन नहीं आ रहा तो चलिए अपनी आंखों से देखिए। ये देखिए, लाइन से पिस्टल लगी हुई है और महिला कमांडो का दस्ता तैयार है इन्हें पुर्जा पुर्जा करने और जोड़ने के लिए। देखा आपने, मुश्किल से 15-20 सेकंड लगे महिला कमांडो को पिस्टल का पुर्जा पुर्जा अलग करने में। अब देखिए कैसे पलक झपकते ही ये पिस्टल को जोड़ भी देती है। केवल पिस्टल ही नहीं, ये स्पेशल 25 कमांडो दस्ता AK-47 और मशीन गन को भी ऐसे ही पुर्जा पुर्जा कर सकता है और जोड़ भी सकता है, वो भी मुश्किल से 15-20 सेकंड में। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तकनीक को इनकी ट्रेनिंग में क्यों शामिल किया गया, तो इसका जवाब ये है कि इस तकनीक के जरिए ये महिला कमांडो विरोधी को बिल्कुल पंगु बना सकती है। सोचिए, अगर किसी कमांडो ने विरोधी को काबू कर लिया लेकिन उसके हथियार को सही सलामत छोड़ दिया, तो हो सकता है भीड़ में छुपा उसका साथी उसी हथियार के दम पर फिर से हावी हो जाए। लिहाजा ये ट्रेनिंग देकर ऐसी किसी आशंका को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। अशोक राज, लाइव इंडिया, दिल्ली। आंखें बंद करके आप दो कदम चलने के बारे में सोचिए कि आप चल पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि कार्यक्रम के बीच में हम आपसे ये क्या सवाल पूछ रहे हैं, तो जनाब इसका जवाब यह है कि अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगा। सीआईएसएफ के स्पेशल 25 कमांडो के रूप में मेट्रो की जिस झांसी की रानी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उन्हें ऐसी ही ट्रेनिंग मिली है कि बंद आंखों से भी वो दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती हैं। अब तक आपने देखा कितनी मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरकर ये महिला कमांडो दस्ता तैयार हुआ है।
लेकिन असल ट्रेनिंग तो आपने देखी ही नहीं है। ट्रेनिंग की जो तस्वीरें आपने देखी हैं, उसमें आपको ये महिला कमांडो खुली आंखों से दुश्मन का सामना करती हुई नजर आई। चाहे वो दुश्मन को जमीन पर पटकना हो, हथियार चलाना या फिर हथियारों को पुर्जा पुर्जा करना, लेकिन इनकी ट्रेनिंग का सबसे हैरत अंगेज हिस्सा अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गौर से देखिए इन महिला कमांडो को, सबकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है जिससे ये कुछ भी ना देख पाए। आंखों पर काली पट्टी बांधकर अब ये जो करने जा रही हैं, वो आपको दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देगा। ये इनकी कड़ी ट्रेनिंग का ही नतीजा है कि ये महिला कमांडो बिना किसी सहारे और दिशा निर्देशन के न केवल जमीन पर रखे हथियारों तक पहुंचती हैं, बल्कि उसे 15 से 20 सेकंड में पुर्जा पुर्जा भी कर देती हैं। इनके इस टास्क में केवल हथियारों को पुर्जा पुर्जा करना ही शामिल नहीं है, बल्कि इसको जोड़ना भी शामिल है। आंखों पर काली पट्टी बांधकर ये काम भी उन्होंने बखूबी कर दिया। खुद महिला कमांडो की जुबानी सुनिए कितनी कठिन ट्रेनिंग से उन्हें गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से उनमें इतनी काबिलियत आई। यही हम दिखाना चाहते हैं कि हम महिला कितना स्ट्रांग है, महिला सिपाही कितना स्ट्रांग है, और हम हथियार के साथ कैसे दुश्मनों से लड़ सकता है, हम यही दिखाना चाहते थे। साफ है महिला कमांडो की इस ट्रेनिंग में हर पहलू को शामिल किया गया है, जिससे ये हर स्थिति में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सके। अशोक राज, लाइव इंडिया, दिल्ली। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टीस्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इसी में जनता का विश्वास। सीआईएसएफ की महिला कमांडोज को खास किस्म की मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी गई है। मार्शल आर्ट्स के जिस रूप को महिला कमांडोज को सिखाया गया है, वो भारत में नहीं है। ये मार्शल आर्ट्स की ये विधा फिलीपींस में प्रचलित है। चलिए आपको दिखाते हैं कि मार्शल आर्ट्स की इस विधा से किस तरीके से ट्रेंड हुई है ये कमांडोज।
हाथों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर, पलक झपकते ही दुश्मन को जमीन पर लिटा देना। चाहे दुश्मन हथियार से लैस ही क्यों ना हो, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन से भी ज्यादा लोगों पर निहत्थे काबू पा लेना, ये खासियत उस मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की है जो सीआईएसएफ की महिला कमांडो को दी गई है और जिसकी वजह से झांसी की रानी सा जज्बा इनमें भर गया है। कोने से हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया सिर्फ लाइव इंडिया पर। प्रायोजक है दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट इंस्टेंट हिट। नेपाल में भूस्खलन से बिहार पर और गहराया बाढ़ का संकट, कोसी मचा सकती है तबाही, 10 घंटे में 45,000 लोगों को निकालने का चैलेंज, एनडीएमए की 15 टीम बिहार रवाना। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे पर नेपाल में 2 दिनों का अवकाश घोषित, नेपाल कैबिनेट का फैसला, सावन के आखिरी सोमवार को मोदी पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे, 12 साल बाद अपने धर्म पुत्र को माता पिता से मिलवाएंगे मोदी। टीसेट विवाद पर सरकार कल तक ले सकती है फैसला, जितेंद्र सिंह ने पीएम मोदी को दी मामले की जानकारी, राजनाथ सिंह के घर हुई बैठक में वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पर हुई चर्चा। रेप के आरोपी डीआईजी सुनील पारस्कर के बचाव पर घिरी शिवसेना, विपक्षी दलों ने किया हंगामा तो महिला संगठनों ने की माफी की मांग, सामना में पीड़ित के चरित्र पर उठाया सवाल। हरियाणा में गुरुद्वारा की कमान संभालने पर अड़ी एचएसजीएमसी, कुरुक्षेत्र गुरुद्वारा की ओर से एचएसजीएमसी के पदाधिकारी की पूछ। कांग्रेस में सोनिया और राहुल के खिलाफ एक और आवाज हुई बुलंद, कांग्रेस नेता जगमीत बराड़ ने 2 साल की छुट्टी पर जाने की दी सलाह, दबाव पर बाद में बयान से पलटे। सहारनपुर दंगा के मास्टरमाइंड के साथ अखिलेश की फोटो पर तेज हुआ विवाद, विपक्ष ने यूपी सरकार पर दंगाइयों का साथ देने का लगाया आरोप। नागपुर में शिवसेना कार्यकर्ता की हत्या से सनसनी, एक आरोपी गिरफ्तार, घोटालों और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने वाली महिला कार्यकर्ता का हुआ है कत्ल।